कमिंग बैक टू तमाशा, हमने आपको इसलिए आराम से बुलाया क्योंकि ऑब्वियसली जब आप हमें बल्कि जब तक आप एलिमिनेट नहीं थे, सबको लग रहा था कि आप फाइनलिस्ट हैं और आप जीत रही हैं। आपको भी यही लग रहा था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, वाकई नहीं सच्ची लग बात रहा है। था? नहीं आपने बोला मेरी बिल्कुल हरकतें ठीक नहीं है, नहीं, मुझे निकाल देंगे। क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे घर के अंदर रह के तो अयाज किसी भी कंटेस्टेंट को ये अंदाजा नहीं हो सकता कि वो कैसा खेल रहा है, या बाहर बैठे हुए जो लोग हैं वो उसको किस तरह से पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अंदर बैठे हुए जो लोगों को हमें तो बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था कि कौन जीतने वाला है। हमें सिर्फ अंदर बैठ के सिर्फ ये होता था, इसने बदतमीजी की है, इसने आज काम पूरा नहीं किया, इसने आज टास्क पूरा यार नहीं मुझसे किया। डांट खाएगी। हाँ, ये मतलब वो वाली चीजें, वो लड़ाइयां हो रही होती थी, हमें हमें ये बात इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि क्या होगा। इनफैक्ट जो हर वीक एलिमिनेशंस होती थी उन पे हम सभी ये कहते थे आज मैं जा रही हूँ। वो कहता था, जितने भी लोग थे, उमर कहता था आज मैं जा रहा हूँ, नेहा कहती थी आज मैं जा रही हूँ, कौन एक फर्द ऐसा सारे था जो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं तो नहीं निकलता? कोई एक होता ना जो बिला वजह अपने जोन में होता है, नहीं मैं तो नहीं जा रहा कहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी नहीं था, सब डरे हुए थे। ऐसा, हाँ आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं था जिसको ये हर वीक लग रहा होता था सबको कि शायद आज मेरी ही बारी है, मुझे ही जाना है। आई थिंक यार सभी बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ सभी अच्छे खेल रहे बदतमीजियां अंदर जो हुई वो आई थिंक किसी भी रियलिटी शो में, जो हम बाकी भी रियलिटी शो यूके का देखते हैं या इंडिया का देखते हैं, हर हर रियलिटी शो में लड़ाइयां, क्योंकि आप एक घर में एक जगह पर जब रह रहे होते हो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है आपको देखने के, आप ही टीवी नहीं एंटरटेनमेंट है है बस। आपस में, आप लोगों ने रोज उठना है, रोज घर के काम भी करने हैं, वही खाना पकाना है, वही लड़ना है, वही सो जाना है, वही टास्क करने हैं, सब कुछ वही करना है। तो एक एक फ्रस्ट्रेशन वाला एलिमेंट तो कहीं ना कहीं आता है। भाई